मैं बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हैं? कोई हंगामा नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई का बयान करना अगर गलत बात है तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। मैंने कल एक YouTube पर एक छोटा सा वीडियो लोड किया था और मैंने मेरे उस वीडियो में ये कहा था कि याकूब मेमन के लिए कोर्ट रात को 3 बजे खुल सकता है और सलमान खान के लिए जोधपुर का सेशन कोर्ट आधा घंटा एक्सटेंड नहीं हो सकता। वो आधा घंटे का ही काम था। सलमान खान को 5 साल की सज़ा लगी है, उनके लोअर कोर्ट ने कन्विक्शन सुनाया है, तो इस पे उनका फंडामेंटल राइट्स बनता है कि उनको अपर कोर्ट तुरंत बेल दे। तो इसमें डिले करने की कोई बात नहीं थी। किस बात से उसको डिले किया गया और कि और सारे लोगों को छोड़ दिया, सिर्फ सलमान खान को ही उसमें एक्यूज बनाया गया। ये एक गलत परंपरा जो शुरू हुई है देश के अंदर, मैंने उस पर कहा। और मैंने ये भी कहा कि जो मुंबई सेशन कोर्ट के अंदर सलमान खान को सजा सुनाई गई थी और उनके वकील तुरंत हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट से वहाँ उनको बेल मिली, और बेल मिलने के बाद में सोशल मीडिया पर इतना हंगामा हुआ कि सलमान खान रसूखदार है, सलमान खान पैसे वाला है, सलमान खान फलाना है, सलमान खान ढिकाना। न्यायपालिका पर क्वेश्चन मार्क लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। तो ये जो दोहरा मापदंड न्यायपालिका का था, उस विषय पे मैंने कहा। और अभिषेक भट्टाचार्य जो सिंगर हैं, अपने आप को बहुत बड़ा गुणी सिंगर समझते हैं, तो उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सलमान खान तो पाकिस्तान का दलाल है, पाकिस्तान के लोगों को लाता है। तो मैंने उनको ये बात भी समझाई कि पाकिस्तान के कलाकार हिंदुस्तान में आकर न लड़ें, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से लड़ रही है और मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। हम उनको आने नहीं देंगे। आपने एक मुद्दा रखा 10 साल पहले, हम उसके ऊपर कानून भी बनाने जा रहे हैं। पर वो हर विषय को लेकर, हर विषय को, हर बात को उन्होंने गाली गलौज, और जो उनके हमेशा का जो उनका मानसिक संतुलन मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। नहीं, मेरा रिलेशन हमेशा उनके साथ में ठीक रहे हैं। हमेशा उन्होंने ही मेरी मदद मांगी होगी मेरे से, मैंने कभी उनकी मदद नहीं मांगी है। मेरे अच्छे रिलेशन रहे हैं। इमरान हाशमी का एक केस हुआ था जब उस, हाँ वो ऐसा है कि आज के दौर में भट्टाचार्य, क्या अभिषेक भट्टाचार्य क्या नाम है इनका, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ इनका, हाँ सिंगर अभिषेक भट्टाचार्य, क्या आज के ज़माने में कोई गाना सुनता नहीं है? आज लोग अरिजीत के दीवाने, अरिजीत सिंह के दीवाने हैं। तो उसका फ्रस्ट्रेशन वो हमेशा पाकिस्तानी कलाकारों पर निकालते हैं। वो उनके पास एक ही मुद्दा होता है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं होता। पाकिस्तानी कलाकार नहीं आए, इसका हम पूर्वजोर हमने विरोध किया है, और फिल्म एसोसिएशन ने तो लिख कर भी दिया है कि पाकिस्तानी कलाकार अब इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। उसके बाद से तो कोई आया ही नहीं है। पर अभिषेक भट्टाचार्य जी को मुसलमानों के विषय के अंदर कि सलमान खान खराब मुसलमान है और ये है वो है, ये बोलने का अधिकार नहीं है। हम वो सारे मुसलमानों को प्यार करते हैं जो इस देश में बहुत अच्छे से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। हम उनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। हम रही बात अभिषेक भट्टाचार्य को हम काउंट नहीं करते। कल उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया तो मेरे दरवाजे पर खड़ी है, सारी मीडिया मेरे दरवाजे पर खड़ी है। ये मीडिया के ऊपर अंगुली उठाना उन्हें शोभा नहीं देता। 4 स्तंभ में से एक स्तंभ मीडिया होता है हिंदुस्तान का, यह अभिषेक को समझना चाहिए। और मैं अभिषेक से एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। वो मुझसे डिबेट करना चाहते हैं, वो खुलेआम मुझे डिबेट के लिए बुलाएं, जिस चैनल पे बुलाएं मैं आने तैयार हूँ। रहेजा कॉम्प्लेक्स में बुलाएं मैं आने तैयार हूँ। वह लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके साथ में कुश्ती लड़ने तैयार हूँ। वो सिंगर हैं, अच्छा गाना गाते हैं, और आप हम दोनों का अगर एक एक गाने की कॉम्पिटिशन करनी है तो भी मैं तैयार हूँ। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, किसी जात धर्म पर उन्हें बोलने का कोई अधिकार है नहीं, किसी के बारे में बोलने का अधिकार अभी
सलमान खान देश का एक अच्छा मुसलमान नागरिक है, सलमान खान देश का एक एसेट है जिसे लोग प्यार करते हैं, एक अच्छा काम करता है, एक सोशल सर्विस करता है, समाज के लिए बढ़िया काम करता है। कुछ गलतियां जवानी में उससे हुई होगी, अरे वाल्मीकि ने भी तो रामायण लिखी थी, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। तो हर चीज़ से होता है, एक एज का फैक्टर होता है और आकर वो हर चीज़ सुधरती है। कौन अख्तर? हाँ, अभिजीत भट्टाचार्य जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में उसका गाना कोई सुनने तैयार है नहीं। आज अरिजीत सिंह का ज़माना है, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो एक फ्रस्ट्रेशन है उनके दिमाग के अंदर, एक दिल के अंदर हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन बना रहता है। सलमान खान ने, शाहरुख खान ने तो उनको चांस दिया, उनको रोजी रोटी दी, मैं तो ऐसे कहूँगा। तो उनको थैंक्स कहना चाहिए, उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। पर हमेशा अभिषेक भट्टाचार्य नेगेटिव स्थिति में जाते हैं, वो जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर कहें उस प्लेटफॉर्म पर मैं आने तैयार हूँ उनके साथ में, और बात करने के लिए, डिबेट करने के। उनको अक्ल ही नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी का इन्फ्लुएंस सलमान खान पर होता तो आज की रात वो जेल में थोड़ी होता। ये इन्फ्लुएंस तो आज भी चलता, आज भी हम उसको बाहर ले आते। ये रिश्ते अलग होते हैं, कानून की प्रतिक्रिया अलग होती है, कानून के प्रतिक्रिया के साथ के अंदर उसके साथ में जाना पड़ता है लोगों को। आप ये समझने की कोशिश करें कि गुजरात का मुसलमान आज के तारीख में, हिंदुस्तान में अगर हम गुजरात के मुसलमान के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा संतुष्ट, सबसे ज़्यादा पैसे वाले, सबसे ज़्यादा रोज़गार आज गुजरात के मुसलमानों के पास है। हम मुसलमान के खिलाफ कहीं नहीं हैं। मैंने तो एक ही कहा कि सलमान खान मुसलमान है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको प्यार करते हैं, वो मेरा दोस्त है, हम हमेशा उसका साथ देंगे, हम अच्छे मुसलमानों का साथ देंगे। याकूब मेमन के लिए अगर रात को 3 बजे कोर्ट खुल सकती है, तो एक सलमान खान के लिए सेशन कोर्ट आधा घंटा एक्सटेंड क्यों नहीं हो सकती, मेरा तो इतना ही सवाल था। मैं आपको कहूं कि हिंदुस्तान का कानून बहुत कड़क है, सजा 5 साल की लगी है, उसके लिए 20 साल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आप भगवान से दुआ करें कि ऐसा कोई केस हमारे किसी हो या आप पे किसी पर न हो। ये ट्रायल फेस करना और जाना और 20 साल कोर्ट की प्रतिक्रिया में, ये एक सजा ही होती है, आप समझे ना। तो इसका हिंदुस्तान का कानून बहुत अच्छा है, इसमें बदलाव का कोई वो नहीं है। और जो प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर जो समझेंगे वो करेंगे, उसके अंदर बदलाव लाना है और बदलाव भी लाया जाएगा। पहलू खान कौन है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कौन पहलू खान, क्या विषय है मुझे क्वेश्चन? हाँ हाँ, नहीं नहीं वो वहाँ की सरकार ने उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, उस विषय की मुझे जानकारी नहीं है। अगले टाइम जब आप मिलेंगे तो मैं उस जानकारी के साथ आपके सामने रहूँगा। किसी भी, देखिए, कभी हिंदू मरते हैं, कभी मुसलमान मरते हैं, मरता तो इंसान है। आई बात समझ में? लोग हमेशा से, आज बीजेपी आज 6 तारीख हुई है, आज उसका स्थापना दिवस है, आज कितने साल की हुई है वो? 30-40 साल की हुई है। हिंदू, हाँ, कितने? हाँ 80 से, मतलब 30-35-36 साल की बीजेपी हुई है। हिंदू मुसलमान का बीच तो उसके पहले से बोया हुआ है दोस्तों, उसके पहले से बोया हुआ है। और मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो दो मुसलमान की बात कर रहा हूँ, सलमान खान और याकूब मेमन। इस दोनों के अंदर सलमान खान अच्छा है,
अच्छा इंसान है, हम उसका फेवर करते हैं। याकूब मेमन नहीं, हम उसका फेवर, वो टेररिस्ट है, हमने उसका विरोध किया है। क्या कहना चाहोगे आप ये सिंगर जिनके बारे में बात करोगे? मैं तो यही, मैंने तो एक बात, माफ़ी मांगे ना मांगे वो मानसिक संतुलन उसका ख़राब हो चुका है। पहले तो वो ट्रीटमेंट करा ले अपना, पहले तो अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो मुझसे डिबेट कर ले कहीं भी, डिबेट से उसका दिल नहीं भरता तो कुश्ती लड़ ले मेरे साथ में कहीं भी, वो गाना गा ले मेरे साथ में कहीं भी। नहीं, वो तो कहता है मैं, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है और मैं बहुत बड़ी लाइफस्टाइल से जीता हूँ और मेरे पास में करोड़ों रुपया है। उसने यूट्यूब चैनल के बारे में भी नेगेटिव कहा है, मैं तो यूट्यूब चैनल से भी कहूँगा कि उसको बैंड करे। आज की सिंगरों की रोजी रोटी यूट्यूब चैनल पर ही चल रही है, मेरा ऐसा कहना है। ये 100% ये उसका स्टैंड होता ही है, वो बड़े कलाकारों को गाली देना, बड़े कलाकारों के खिलाफ बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, अगर उसे उसे इतना ही शौक है पॉलिटिक्स करना, पाकिस्तान के खिलाफ बनना, तो वो जाए वेस्ट बंगाल, चुनाव लड़े, संसद में जाए और वहाँ पर अपनी बातें रखे। लोगों को गाली देकर क्या मतलब है, मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आएगी।